जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों ये जो वार है जय श्री राम, ये सिर्फ एक वार नहीं, हम सभी लोगों का ये एक इमोशन है। जब हम किसी से मिलते हैं तब जय श्री राम कहते हैं, और जब हम किसी से अलविदा लेते हैं तब भी जय श्री राम कहते हैं, और जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तो तब भी जय श्री राम कहते हैं। हाँ, कुछ लोगों को ये वार पसंद नहीं आता है, शायद वो आपके जैसे और मेरे जैसे एक इंसान नहीं होंगे। खैर जाने दो, उनके बारे में बात करने से मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि आज मैं आप सबका मूड को अच्छा करने के लिए आया हूँ। क्योंकि भाई आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार हम सभी लोग मेरे प्रभु यानी कि भगवान राम जी से क्या सीख सकते हैं। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेसन नंबर वन, कमिटमेंट टू धर्म यानी कि धर्म के प्रति प्रतिबद्धता। पता है दोस्तों, मेरे प्रभु राम जी का जीवन एक अटूट धार्मिकता का प्रमाण है। उनके जीवन में अनगिनत चुनौतियां आया है और वो उन सभी चुनौतियों का भी सामना किए हैं, और वो हमेशा उनके नैतिकता सिद्धांतों और जिम्मेदारियों के ऊपर हमेशा अड़े रहे। और इसी बात को ही हम सभी लोगों को मेरे प्रभु से सीखना चाहिए। हम सभी लोगों को अपने जीवन में किसी भी हालत में धर्म को नहीं भूलना चाहिए। समझ गए मित्रों, कभी भी अपने जीवन में धर्म को नहीं भूलना है। और उसके बाद दूसरा लेसन है इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी यानी कि सत्य के ऊपर निष्ठा और ईमानदारी। तो दोस्तों मेरे प्रभु हमेशा सत्य के ऊपर निष्ठा और ईमानदार रहे, और वो हमेशा अपने वचन को पूरा किए, और वो कभी भी सत्य के मार्ग पे ऊपर विचलित नहीं हुए। आप सभी ने ये बात जानते होंगे कि बाली उसके छोटे भाई यानी कि सुग्रीव को उसकी राज्य से निकाल दिया था, और उसके बाद वो उसकी पत्नी के साथ भी संबंध रखा था, लेकिन मेरे प्रभु सुग्रीव को वचन दिए थे कि उसे उसके राज्यों को जरूर लौटाएंगे। इसलिए मेरे प्रभु बाली को मार के सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाए थे, क्योंकि सुग्रीव सही था और बाली गलत था, इसलिए मेरे प्रभु सुग्रीव को ही चुने। वेल, अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे कि राम जी ने तो बाली को छुपके मारे थे, तो ये कैसा न्याय हुआ सत्य को चुनने का। वेल दोस्तों, आप सही कह रहे हो, मेरे प्रभु बाली को छुपके मारे थे क्योंकि वो गलत था। और इसी तरह मेरे प्रभु छुपके मारने की वजह से बाली के बेटे अंगद को मेरे प्रभु वचन दिए थे कि जिस तरह का मृत्यु तुम्हारे पिताजी का हुआ उसी तरह मेरा भी मृत्यु होगा, लेकिन दूसरे जन्म में यानी कि अगले जन्म में भी मेरा मृत्यु उसी तरह होने वाला है। और आप सभी लोग तो जानते होंगे कि त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया, और द्वापर युग में मेरे प्रभु श्री कृष्ण बन के आए और मेरे प्रभु बाली को जरा बहेलिया बना के द्वापर में भेजे, और इसी जरा बहेलिया के तीर से ही मेरे प्रभु यानी कि कृष्ण भगवान का अंत हुआ था। खैर बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो दोस्तों इसी तरह मेरे प्रभु हमेशा सत्य के ऊपर और उनके वचन के ऊपर हमेशा अड़े रहते हैं, इसलिए हम सभी लोगों को सत्य के ऊपर हमेशा भरोसा करना है और हमेशा सत्य को ही चुनना है, कभी भी गलत को अपने जीवन में आने नहीं देना है। खैर बढ़ते हैं हमारे तीसरे लेसन की ओर, जो की है डिवोशन टू फैमिली यानी कि परिवार के प्रति समर्पण। वेल दोस्तों, मेरे प्रभु उनके परिवार में सभी को, विशेष करके उनके पत्नी यानी कि देवी सीता जी को और उनके सभी छोटे भाइयों को सबसे ज्यादा पसंद करते थे। और जब देवी सीता जी को रावण उठा के ले जाता है तब मेरे प्रभु के आंखों में आंसू आ जाता है, और उसके बाद जब लक्ष्मण जी इंद्रजीत के बाणों से मूर्छित यानी कि बेहोश हो जाते हैं तब भी मेरे प्रभु के आंखों में आंसू आ गया था। और जब उनके पिता यानी कि राजा दशरथ जी मेरे प्रभु को 14 साल के लिए वनवास का आदेश दिए थे तब भी मेरे प्रभु खुशी खुशी उनके आदेश को स्वीकार लिए थे। देखते हैं कि आज की डेट पर कोई अगर एक माँ बाप उसके बेटे को 14 साल के लिए वनवास भेजेगा तो कोई जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा। अरे 14 साल की तो बात छोड़ो, एक हफ्ते के लिए भी कोई नहीं जाएगा, लेकिन मेरे प्रभु खुशी खुशी 14 साल के लिए वनवास चले गए थे। हमको भी इसी तरह मेरे प्रभु के जैसे अपने परिवार के प्रति समर्पण कर देना है, लेकिन आज की डेट पर ऐसा कहीं पे भी देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि आज की डेट पर कोई अगर एक इंसान अपने पैरों में खड़े हो जाता है तब वो उसके माँ बाप को पूछता भी नहीं, ख्याल तो रखना दूर की बात है। और कुछ कुछ लोग शादी करने के बाद वो अपने परिवार को ही भूल जाते हैं, और कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो शादी करने के बाद भी वो दूसरे औरतों के साथ संबंध रखते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को भगवान राम जी के जैसा यानी कि मेरे प्रभु जी के जैसा अपने परिवार के प्रति समर्पण कर देना है। और उसके बाद चौथा लेसन है रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स यानी कि बुजुर्गों के प्रति सम्मान। तो दोस्तों मैंने कहा था कि जब मेरे प्रभु को उनके पिताजी 14 साल के लिए वनवास भेज देते हैं तो वो खुशी खुशी चले जाते हैं, और इतना भी नहीं, मेरे प्रभु को पता था कि कैकेयी माता की वजह से उनके पिताजी उनको 14 साल के लिए वनवास भेज रहे हैं, लेकिन वो फिर भी खुशी खुशी वनवास चले जाते हैं, क्योंकि मेरे प्रभु बुजुर्गों का आदर और उनका सम्मान करते हैं। इसलिए उनको पता था कि कैकेयी माताजी के वजह से उनके पिताजी उनको 14 साल के लिए वनवास भेज रहे हैं, लेकिन वो खुशी खुशी चले जाते हैं, क्योंकि कैकेयी जी भरत जी की माता है इसलिए वो उन्हें भी उनका माता मानते हैं। और इसी तरह हमको भी सभी बुजुर्गों को सम्मान दिखाना है, सिर्फ अपने माता पिता को नहीं, सभी बुजुर्गों के प्रति हमको सम्मान दिखाना है। और उसके बाद आता है फिफ्थ लेसन, करेज एंड परसेवियरनेस यानी कि साहस और दृढ़ता। दोस्तों मेरे प्रभु वनवास तो चले जाते हैं, लेकिन वहां पे भी उनका
कई सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जैसे कि वहाँ पे कई सारे राक्षसों का हमला और रावण के साथ महायुद्ध। और इन्हीं सारी चीजों से हमको यही सीखना है कि हमारे जीवन में कई प्रकार का बाधा आएगा, लेकिन हम उन्हीं सभी बाधा को पूरी साहस के साथ सामना करना है। समझ रहे हो ना मित्रों, अपने जीवन में छोटे छोटे प्रॉब्लम को फेस करके कमजोर मत पड़ जाना, क्योंकि आप अगर इन्हीं सभी छोटे छोटे प्रॉब्लम को फेस करते रहोगे तब जाके जब एक बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा तब उसी बड़े प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आपके अंदर साहस आ जाएगा। उसके बाद आता है छठा लेसन, जो है फॉरगिवनेस एंड कंपैशन, यानी कि क्षमा और करुणा। वेल दोस्तों, रावण ने मेरे प्रभु के पत्नी यानी कि देवी सीता जी को उठा के ले जाने के बाद भी मेरे प्रभु रावण को एक मौका दिए थे, एक चांस दिए थे सुधरने के लिए। तो इस बात से ही हमको यही सीखने को मिलता है कि हम अपने शत्रु को सिर्फ एक बार ही क्षमा कर सकते हैं, लेकिन बार बार क्षमा नहीं करना है, क्योंकि वो अगर आपको बार बार परेशान करता रहेगा तब जाके आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। और उसके बाद सातवां लेसन आता है ह्यूमिलिटी एंड हम्बलनेस, यानी कि नम्रता और विनम्रता। वेल दोस्तों, आपने कभी भी देखे हो क्या मेरे प्रभु किसी के ऊपर गुस्सा करते हुए? नहीं, अरे ऐसे ही मेरे प्रभु को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहते हैं। पत्नी को उठा के रावण ले गया है, लेकिन उसके पास फिर भी मेरे प्रभु एक दूत को भेजते हैं। आप सोच के देखिए, आप अगर मेरे प्रभु के जगह पे होते तो आप क्या एक दूत को भेजते? अरे काहे का दूत को भेजना, उसने मेरे पत्नी को उठा के ले गया है, उसे तो मैं ही मारूंगा। लेकिन नहीं, मेरे प्रभु क्या करते हैं ना, नम्रता के साथ एक दूत को रावण के पास भेजते हैं। आप भी अपने जीवन में इसी तरह नम्रता के साथ अपने शत्रु को एक मौका दीजिए सुधारने के लिए, लेकिन अगर वो नहीं सुधरेगा तब जाके आप कानून का मदद ले सकते हैं, लेकिन कभी भी खुद जाके उसके साथ नहीं निपटना है, क्योंकि आज की डेट पर हमारे देश में कानून का व्यवस्था हुआ है, इसलिए आपको कानून का सहायता लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जो कि हमको मेरे प्रभु राम जी से सीखना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और आपके हिसाब से हम और क्या मेरे प्रभु से सीख सकते हैं वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे और एक वीडियो में, तो तब के लिए जय श्री राम।